क्या नाम है आपका? कालीचरण। कहाँ से आप चुनाव लड़े थे? बसाई बदनपुर का जगह। कितने वोटों से आप जीते? 110-115 के बीच में। आपको जनता ने चुना है, आपको पूर्ण बहुमत से जिताया है, अपने गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? गांव के लोगों को संदेश सर मैं ये देना चाहता हूं कि मैं छोटे से आदमी को मैंने इतना मतलब प्यार दिया है, तो मैं उनके साथ हमेशा दुख में सुख में हमेशा साथ रहूँगा, और जो मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में नमन, जो मेरे नौजवान साथी हैं उनके साथ मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा, और उनके साथ मैं कंधा से कंधा लगा के बारह हमेशा उनके साथ रहूँगा। चुनाव के पहले आपने कुछ वादे करे थे कि हम क्षेत्र में विकास करेंगे, सड़क डलवाएंगे। चुनाव के पहले सर मैंने जो उनसे वादा किया था कि जो मेरे गांव में मतलब जो है गंदगी का विषय फैला 20 साल से, तो और सब लोगों से मैंने ये वादा किया था कि मुझे आप सहयोग दें, आपके गाँव में अच्छे से अच्छे काम करूँगा, सड़कों पर जाल बिछवाऊँगा, पानी की मतलब जो है कोई प्रॉब्लम होने दूंगा। तो इसलिए सर मेरा ये उद्देश्य है कि मतलब गांव वालों ने मुझे जरा से आदमी खुद ना प्यार दिया है, तो हमेशा उनके दुख में सुख में हमेशा साथ रहूंगा। आपके गांव में अभी क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या मतलब जो है रोड की है, पानी की है, हर एक चीज़ की समस्या है। हम लोगों को सब 20 साल से लोगों ने इस्तेमाल किया है, हमारे गाँव में कोई विकास की मतलब जो है उदाहरण नहीं की मतलब। नहीं तो इसके पूर्व में कोई विकास नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर, थोड़ा बहुत बहुत हो गया तो हो गया, अभी राम प्रधान ने नहीं करवाया है जो कुछ करवाया है। पहले मतलब सरोज यादव ने मतलब सर हमको मतलब जो है दुश्मनी के रूप में देखा कि और हमारे वोट छीना है, और कभी हमारे गांव में विकास करने आप चुनाव जीते हैं, अब सबसे पहले गांव में कौन सा विकास कार्य आप करेंगे? गांव के में सबसे पहले साहब मैंने जो वादा किया था माता शंकर जी के मंदिर पर रोड करवाना है, एक मेरे हनुमान बाबा का मंदिर है गाँव का बदनपुर गाँव का, वो भी रोड करवाना है। माता के मंदिर पर मैंने मतलब जो है FX की मतलब जो है घोषणा की थी मतलब अपने मन में, तो सर ये काम मतलब मुझे सबसे पहले ये काम करवाना है। पानी की समस्या कैसे दूर करेंगे आप? पानी की समस्या सर जो हैडपम्प में मतलब जो जितने हैडपम्प खराब पड़े, अभी आज ही से मैंने साफ काम करवाना शुरू कर दिया हैडपम्प में, अभी ना मुझे बस्ता मिला है, ना मेरे पास कोई निधि आई, ना कुछ मतलब जो है गाँव वाने के विकास के लिए, आज ही से मैं कमर बांध के खड़ा हो गया हूँ सर। गाँव के लोगों ने आपको चुना है, और मतलब आप अपनी बातों पर कितना खरा उतरेंगे? जो सर मैं मतलब जो है जितनी मेरी ताकत नहीं है उससे ज़्यादा खरा उतरूंगा मैं। और क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने ग्रामवासियों को? जो है कि मतलब जो है जो मुझसे बड़े हैं मैं इनके चरणों में नमन करना चाहता हूं, जो मेरे मतलब जो है नौजवान साथी हैं उनको मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मित्र माता बहने हैं उनके चरणों में मेरी नमन है। यही शब्द के बाद मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल परमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं बदनपुर में रहता हूँ। आपने अपने क्षेत्र में कैसा प्रधान चुना? हमने अपने क्षेत्र में एक समझ लो गरीब प्रधान चुना है, इसके पास कुछ नहीं था, उसको बिहार पर देखकर सब लोगों ने उसको वोट किया है। इससे पहले जो भी प्रधान थे सब पैसे वाले लोग थे, जीते पैसों के दम पर जीतते थे, अपने बाहुबल के दम पर जीतते थे, और जीत के जो भी कमाते थे अपने घर में उसे रखते थे, कोई किसी भी गांव में ना विकास किया। आपने जो प्रधान चुना क्या खूबी है? प्रधान में यही है कि सबसे पहले जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों में अपना समय देते हैं, ठीक है, क्षेत्र के लोगों के साथ रहते हैं, जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है हमारे साथ, हर रात में दिन में सुबह जब भी हम कहते हैं कि चलने को कहीं चलना है तो चलने के लिए तैयार रहते हैं, क्षेत्र की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे आदमी की हमें ज़रूरत थी, सबने पूरे क्षेत्र ने मिलजुल के पंचायत ने वोट दिया और भारी बहुमत से विजय हुए। आप खुश हैं प्रधान से अपने? बिल्कुल, हम नहीं पूरी पंचायत खुश है, सब लोगों ने खुशी में कल से जश्न मना रहा है यहाँ पे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग सब चीज़ का पालन किया जा रहा है और एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए सब खुश हैं।